गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्वीन ऑफ हिल्स। पहाड़ों की रानी में आपका स्वागत है। आज है हमारी दिल्ली टू हर्सिल राइड का, आज हमारा पांचवा दिन है। हम रिटर्न जा रहे हैं घर की तरफ। कल हम लोग धनौल्टी होते हुए मसूरी आ गए थे, और मसूरी बहुत ही प्यारी जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम कल के ब्लॉग में दो चीज़ आपको दिखा चुके, एक एम्प्टी फॉल दिखा चुके, एक लाल टिप्पा दिखा चुके। आज हम सुबह सुबह उठ के अपने रूम पे से सीधा मुँह हाथ धो के हम लोग सीधा चले आए हैं कंपनी गार्डन घूमने के लिए, जो कि मॉल रोड से तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है, और बहुत ही प्यारी जगह है। नेचर लवर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है ये। हर तरह के फूल है यहाँ पे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह भी हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, जो कि पेएबल है। आप पैसे दे के यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। और पीछे जो है ये छोटा सा एक वाटरफॉल बनाया है, जो कि टूरिस्ट का काफ़ी अट्रैक्शन है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आके रुकते हैं। इतने बड़े कंपनी गार्डन में सिर्फ टूरिस्ट यहीं आके रुकते हैं ज़्यादातर। कंपनी गार्डन में आपको आने के लिए 50 रुपये टिकट लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? जी बिल्कुल, कंपनी गार्डन में आने के लिए आपको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। और बच्चों के लिए 5-7 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है, कोई टिकट नहीं है। उससे ऊपर के लिए टिकट है यहाँ 50 रुपये की। और ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है, और इन्वायरमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। नगर निगम पालिका ने यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रख रखा है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आते हैं। जितना लोग लाल टिब्बा पे नहीं जाते, उससे ज़्यादा लोग कंपनी गार्डन आते हैं, क्योंकि है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हम नीचे आ गए हैं। ये है टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट, और यहाँ पे कुछ आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर सकते हैं, शूटिंग, आर्चरी वगैरह। ये देखो दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है ये, जिस तरह से इसको अरेंज किया गया है। और यहाँ पे आपको ना म्यूज़ियम और कैफ़ेज़ ज़्यादा दिखेंगे, एक्टिविटीज़ कम दिखेगी, और म्यूज़ियम और कैफ़ेज़ ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पर आपको। ये अभी सुबह का टाइम है, तो लगभग खाली पड़ा हुआ, ये ज़्यादा लोग अभी है नहीं यहाँ पर। और बस इतने में ही था, हम लोग आगे फ्रंट से घूम के आ चुके हैं। आपको घुसते के साथ ही फ्रंट गेट पे ना आपको वो मिलेगा यहाँ पे घुसने के लिए। फ्रंट गेट पे आपको 2-4 दुकानें मिल जाएंगी आपको शॉपिंग करने के लिए, और ये एक म्यूज़ियम है, आप जाना चाहते जा सकते हैं। वाह, कई तरह के फूल और पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारे किसी काम के नहीं। हम तो राइडर हैं। हम राइडरों को क्या मतलब पेड़ पौधे फूल नहीं देख सकते हैं ना? सिर्फ देख सकते हैं। हाँ, तो चलो खूबसूरती एंजॉय कर सकते हैं ना। खूबसूरती कर लेगा एंजॉय। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, पीक पॉइंट है, चारों तरफ काफी अच्छी सीनरी दिख रही है। वहाँ पे भी एक छोटा सा वाटर थ्रो है। सर्दी भी थोड़ी कम लग रही है। हाँ, ये बोलना नहीं चाहिए, मगर बोल देते हैं। गुस्ते के साथ ही चारों तरफ आपको गेंदे के फूल ही फूल मिलेंगे। और फर्स्ट ऑफ रोड, ऊपर जो रोड जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जो रोड जा रहा है वही रोड है, वो माल रोड की तरफ जा रहा है। और तरह तरह के देख सकते हो, आपको फूल ही फूल मिलेंगे, तरह तरह के फूल है यहाँ पे। आधे पौधे तो लगभग सूख ही चुके हैं, आधे पौधे ही बचे हुए हैं यहाँ पे देखने लायक। तो बहरहाल जैसा भी है, 50 रुपये की टिकट लेके थोड़ा बहुत आपको सीनरी इन्जॉय दिखाते हैं, ये लोग इन्जॉय कराते हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। फाइनली पूरा कंपनी गार्डन घूम लिया है, हम निकल रहे हैं अब सीधा रूम पे, और रूम पे सामान पैक करके अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। और मैं निकलूँगा रामपुर के लिए। और दोस्तों, पूरे कंपनी गार्डन के ये रहे कुछ फोटोग्राफ्स, आप इन्जॉय कर सकते हैं। तब तक हम निकल रहे हैं अपने रूम पे। तो जी दोस्तों, फाइनली सारी ये देख सकते हैं पैकिंग हो गई, अब हम हैं निकलने के लिए तैयार। एक बार और दिखा दूं, ये था हमारा होटल। तो एक चीज़ और बताऊं, यहाँ होटल में हमें रूम काफ़ी सस्ते प्राइस में मिला, सिर्फ 800 रुपये में। तो अब निकलते हैं यहाँ से, अब दिखाता हूँ आपको सीधा रोड पर। तो दोस्तों, पहुँचने वाले हैं हम लाइब्रेरी चौक पे, अपने होटल से नीचे आने के बाद
देख सकते हैं जाम लगना अभी से ही शुरू हो गया है। हम पहुंचने वाले हैं लाइब्रेरी चौक पर, ये देख सकते हैं ये मेरे सामने ये लाइब्रेरी चौक। देखिए जी ये लाइब्रेरी चौक और ये सामने जो बैरिकेड लगे हुए हैं वो मॉल रोड के लिए हैं, लेकिन हम लोग मॉल रोड तो कल निकल के आए थे मॉल रोड पर होके, अब हम लोग सीधे जा रहे हैं भट्टा फॉल के लिए। नीचे से देहरादून रोड पे ये पड़ता है भट्टा फॉल। शायद हम लोग भट्टा फॉल का रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए हम लग रहा है आ गए हैं गलत। भट्टा फॉल का रास्ता तो ये है नहीं, तो अब वापस ना जाते हुए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि हमें शाम तक पहुंचना है अपने अपने घर। इजाज भाई को जाना है दिल्ली, मुझे जाना है रामपुर, तो इसीलिए अब भट्टा फॉल हम लोग कर रहे हैं स्किप। तो अब सीधा निकल रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी देहरादून के लिए, क्योंकि देहरादून से इजाज भाई सहारनपुर होते हुए निकल जाएंगे दिल्ली, और मैं हरिद्वार होते हुए सीधा काशीपुर होते हुए सीधा रामपुर। तो मिलते हैं आगे। वैसे रास्ते में इतना कुछ है नहीं दिखाने के लिए, हम लोग मसूरी से बस सीधा सीधा नीचे ही अभी उतर रहे हैं, और देहरादून लगभग हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, होगा 8-10 किलोमीटर। तो चलिए थोड़ा सा और पहाड़ों का नज़ारा आपको दिखाते हुए पहुँचते हैं जल्दी जल्दी देहरादून। मुलाकात होगी अब देहरादून में। दोस्तों देहरादून सिटी में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम देहरादून सिटी में, देख सकते हैं आप ये है देहरादून सिटी। अब मुझे निकलना है यहाँ से हरिद्वार के लिए, रास्ता तो कोई पता नहीं, लेकिन इस टाइम मैं चल रहा हूँ दिल्ली रोड पर, फिरोज सीधा दिल्ली गया सहारनपुर होते हुआ। तो जी फाइनली ही दोस्तों आ गया है अब विदाई का वक्त, क्योंकि हम लोग आ गए हैं, ये देख सकते हैं दो रास्ते जा रहे हैं, ये जा रहा है सीधा हरिद्वार और ये जा रहा है सीधा सहारनपुर। तो अब हो गया है विदाई का टाइम, अब यहाँ से हम दोनों अपना अपना रूट कर लेंगे चेंज, क्योंकि वो जा रहे हैं उधर, मैं जा रहा हूँ इधर। तो दोस्तों राइड कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना, हमारी और हमारी जोड़ी कैसी है वो भी आप कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना। तो जी दोस्तों अब यहाँ से हम होते हैं सोलो अपने घर के लिए, तो मिलते हैं हम दोनों फिर साथ में किसी और नई राइड पे किसी और नए ब्लॉग के साथ। तो बने रहिए मेरी वीडियो में।
सकते हैं हम लोग पहुंच गए अब हरिद्वार। ये है हर की पौड़ी जो पहले आपको जाते हैं। तो जी दोस्तों, शाम हो गई है और इस टाइम हम हैं जसपुर से 25-30 किलोमीटर पीछे। हरिद्वार से खींचने के बाद गाड़ी मैंने सीधा रोकी नगीना, वहाँ पे चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद नगीना से फिर खींची गाड़ी बड़ी स्पीड से, क्योंकि घर हमें बहुत टाइम से पहुँचना है। चलते हैं फिर घर की तरफ। तो जी दोस्तों, फाइनली रात के बज गए हैं 8 और मैं अभी अभी अपने घर पहुंचा हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा रात होने की वजह से मैंने आपको रास्ते में फिर कुछ दिखाया नहीं। तो अच्छा, एक चीज़ और, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों, ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट ट्रिप पे, तब तक के लिए गुड बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।